इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि अगर आपके Redmi 9 मोबाइल फ़ोन में आपने जो है अपने फ़ॉन्ट को चेंज कर दिया था तो अब आपका फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है तो दोस्तों अब अगर आप मोबाइल फ़ोन का पहले वाला फ़ॉन्ट यानी कि ओरिजिनल फ़ॉन्ट सेट करना चाहते हैं तो कैसे सेट करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको अपने Redmi 9 मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में आ जाना है, फिर नीचे आना है। नीचे आने पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले का, आप इस पर देंगे क्लिक कर और इसमें फिर आपको नीचे आना होगा। नीचे आने पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम फॉन्ट का, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि आपके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट यानी कि मोबाइल डेटा ऑन होना चाहिए। इस तरीके से आपका सेटिंग इस तरीके से यहाँ पर आपका पेज खुलेगा। आपको यहाँ कोने में ऑप्शन मिल जाएगा प्रोफाइल का, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा फॉन्ट का, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसमें देखिए आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों रोबोटो का, तो आपको क्या करना है आपको यहाँ रोबोटो पर देना है क्लिक कर और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन को रिबूट करना होगा, जिसके लिए आपको या आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा रिबूट का। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ दोस्तों जो है रिबूट पर देना है क्लिक कर। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल जो है हो जाएगा स्विच ऑफ और उसके बाद दोस्तों फिर से आपका मोबाइल फ़ोन हो जाएगा स्विच ऑन और आपके मोबाइल फ़ोन में पहले वाला फॉन्ट यानी कि जो मोबाइल का ओरिजिनल फॉन्ट होता है वो सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप Redmi 9 मोबाइल फ़ोन में आप जो है पहले वाला फॉन्ट सेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।